तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं अगर तू ध्यान देगा तो। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है पहले भी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x। राइट डीएक्स। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बहुत बार किया है इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने। 11 याद आ रहा है उसके बाद क्या करते थे सर? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एंड प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नहीं माइनस कॉस एक्स माइनस, नो प्लस आएगा ना, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये प्रोफाइल नंबर कौन सी है बच्चों? कोई प्रोफाइल है ना, ये प्लस माइनस साइन एक्स वाली प्रोफाइल याद आ रहा है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू टी, ये वाला प्रोफाइल था। जिसने क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देख क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम हो गया ना क्वेश्चन 13 तूने पूछा है, सेम क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद एक और पूछा है तूने, 12th वाला क्या है? वो है cosec x अपॉन, मतलब इसको कर दो sin x अपॉन 1 प्लस sin x cos x, ये भी सेम ही हो गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा, तू यहां आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो 2 sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x, सेम बन गया ना, देखिए भी। हाँ हाँ गॉट इट सर। हाँ सर मुझसे मिस हो गया होगा। चलो ठीक है, इसका फोटो ले लो एक बार। अच्छा ये डाउट खत्म, अभी दूसरा कोई डाउट बताओ। आई रिक्वेस्ट, किसी का डाउट अगर नहीं हो तो फॉर्मली बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है राइट, इसका रिकॉर्डिंग आपको 2 o'clock के बाद मिल जाएगा, तो आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 डन। और बताओ और कोई डाउट किसी का? वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूं पहले अभी, दोनों जो क्लास में अपने छूटे हुए हैं, या कोई डाउट पूछ रहा है पहले? तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, फॉर्मूले की तरह काम आते हैं ना, इसलिए उसको कर लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट हो गया क्या ये क्वेश्चन का? हाँ सर ले लेना। एकदम रूटीन क्लास जैसे चलता है ना वैसे ही बिहेव करो, है ना, कि स्क्रीनशॉट इसका लिया डाल दिया, किसी बच्चे को ना स्क्रीनशॉट से ही समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये किया हुआ है अपन लोगों ने, तो कहीं को रिकॉर्डिंग कोई देखेगा। अभी देखो जान दो, तुम्हें इंटीग्रेट करना है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार, इंटीग्रेशन 0 to π साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, याद है ये, दिस इज द क्वेश्चन 1 out of the 4 questions. Do you remember this? अरे बाबा ये क्वेश्चन था याद है तुम लोग को, a to b yes sir yes. sin x yes, sin nx by sin nx by sin x dx। अब इसमें हम लोग लाइक a और b को, a को तो जीरो ही लेते हैं, b को हम लोग पाई बाई टू और पाई दो बार लेते हैं, n इवन ऑड लेते हैं, तो n इवन ऑड बाद में जाते हैं, पहले काम करते हैं। गाइस एक बात बताओ गाइस, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईएन से किधर में कन्वर्ट होता है? ये आईएन है ना, ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री, ये तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री है ना गाइस, माइनस टू, तो किसमें कन्वर्ट होगा? आयन माइनस टू में कन्वर्ट होगा ना, तो पता है क्या करो, मतलब यहाँ पे एक दिमाग में छोटा सा आइडिया डेवलप करो यार, आयन माइनस टू निकालते हैं, देखते क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्मूला डिविजन फॉर्मूला कुछ लग नहीं रहा है, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं जब कुछ सूझ नहीं रहा हो और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाला रिडक्शन फॉर्मूला हो, तो उसमें आयन माइनस टू पे वर्क कर लेना चाहिए एक बार। ऐसा मैं गारंटी नहीं करता हूँ, मतलब गारंटी सिर्फ इतनी ही नहीं करता हूँ
कि तुम्हें मैनिपुलेशंस नहीं हो पाएंगे बस, अदरवाइज गारंटेड से क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा राइट। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, Im - Im - 2, बताओ बच्चों 0 to π में ये क्या बन गया, 0 to π में साइन एन एक्स, नीचे तो साइन एक्स ही रहेगा ना, नीचे तो साइन एक्स ही नहीं रहेगा, साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस टू एक्स। तुम लोग मिलके अगर सॉल्व करवा दोगे क्वेश्चन तो तुम्हें परमानेंट याद हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है, और अगर मैं लिखता चला गया तो फिर तुम्हें वापस पढ़ना पड़ेगा इसको। बच्चों क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इस जगह में, क्या करना चाहिए बताओ? साइन सी माइनस साइन बी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला, हजार बार बोला डर के मत पढ़ो, बिंदास पढ़ो। अब क्या करना चाहिए वो किसको, जिसको भी दिमाग में आ रहा है तुरंत बताओ क्या करना चाहिए, बताओ बच्चों क्या करना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी, एक आइडिया है, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 to π, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस कॉस सी प्लस डी है ना? Yes, sir. A plus C plus G by 2 into C by 2 भी आता है क्या? By 2 भी आता है क्या? तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? Nx plus Nx minus minus 2x. 2x by 2 आएगा ना? हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? Cos n minus 1x है ना? N minus 1x into this minus this, मतलब इसको minus कर दो, Nx माइनस एन एक्स प्लस टू एक्स, तो 2x बाई 2 कितना बच जाएगा? साइन में आएगा ना अब नेक्स्ट वाला, साइन एक्स, साइन अच्छा साइन एक्स ही आएगा ना, डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अरे मजा आ गया, ये कट गया ना देखो बच्चों। अच्छा कॉस ऑफ एन माइनस वन एक्स का, हाँ बोलो ना प्लीज। और सर फिर वो cos n minus 1x का तो फॉर्मूला है ना, अरे बाबा cos n minus 1x तो फॉर्मूला हो गया ना, cos 2x 3x 4x इस तरह का इंटीग्रल हो गया ना, ये इंटीग्रल कितना होता है, 2 को तो ले लो बाहर, ये इंटीग्रल हो जाएगा कितना, sin n minus 1x डिवाइडेड बाय n minus 1 0 टू पाई। अच्छा इसमें पाई डालो चाहे 0 डालो, बताओ ये 0 डालने से तो 0 बनेगा बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? साइन जीरो तो जीरो ही होता है ना। अब पाई के बारे में बात करते हैं बच्चों, एन अगर इवन हो तो एन माइनस वन ऑड हो जाएगा ना, एन माइनस वन ऑड हो गया तो ये ऑड पाई हो जाएगा। अब ये ऑड पाई हो चाहे इवन पाई हो, दोनों ही कंडीशन में बच्चों क्या बनेगा ये बताओ? जीरो बनेगा, ये तो कहानी खत्म, और जीरो बनाएंगे तो जीरो बनेगा, तो ये जीरो ही आ गया ना, बताओ क्या बोलते हो गाइस? यस। तो अपना रिजल्ट क्या बन गया बच्चों, Im - Im - 2 आ गया ना, बताओ बोलो बच्चों? यस सर वही आएगा। अच्छा इसके बाद क्या आएगा बताओ, Im - 2 - Im - 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, दिस इज इक्वल टू अप टू सॉल्व ऐसे जाएगा ना। अब n को इवन लेते हैं बच्चों, एक बार n को इवन लेते हैं तो बच्चों Im - 2 में कन्वर्ट होएगा, बिल्कुल ठीक है, अप टू सॉन जाएगा। तो चलो n को एक बार लेते हैं बच्चों, 4 लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, I4 किस में कन्वर्ट होएगा बताओ? I2 में। पढ़ने का तरीका चेंज कर लोगे तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई होती है, कि यार अभी क्लास में बैठे हैं सीख रहे हैं तो एकदम अभी सीख लेते हैं, बाद में पढ़ने का झंझट ही खत्म, ठीक है? वो तब होता है जब आप दिमाग को रिस्पॉन्सिव रखते हो, बोलना जरूरी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिव रखो दिमाग, हाँ इसका दिया आएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, लाइक दैट है ना। Im = Im - 2 और बच्चों I4 I2 में, और I2 किस में कन्वर्ट होगा लास्ट में जाकर के? I0। अच्छा चलो I0 क्या होगा यहाँ से बताओ, I0 n का वैल्यू 0 डालोगे ना? I0 तो पाई हो जाएगा ना, नहीं I0 बेटा I0 0 डालना, n का वैल्यू 0 डालो तो साइन 0 तो 0 हो गया, जीरो आने का मतलब क्या हो गया, जीरो का इंटीग्रल क्या होगा, जीरो का इंटीग्रल तो जीरो ही होगा ना, मानता है बराबर है ना? अच्छा जीरो का इंटीग्रल सी होगा, चल जीरो का इंटीग्रल सी होगा बराबर। अब सी ऐसे ही तो लिखेगा,
सर इनडेफिनेट फॉर्म नहीं बनेगी क्या साइन जीरो बाय जीरो से जीरो बाय जीरो अरे एक्स एम जीरो नहीं लिख रहा ना एम जीरो लिख रहा है ना ओह सॉरी सर बराबर कंफ्यूज हो गया ऑलराइट चलो कोई इशू नहीं है अब ये क्या हो गया आई जीरो किसके इक्वल हो गया बच्चों जीरो के इक्वल हो गया तो अगर एन इवन होगा तो इसका आंसर जीरो आएगा तो बच्चों अब इस क्वेश्चन देखते हैं मान लो क्वेश्चन पूछता हूं साइन ऐसे एक्स्ट्रा में लिख देता है इधर जीरो टू पाई साइन हंड्रेड एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बताओ बच्चों इसको सॉल्व करेगा नहीं करेगा ना वैसे तो यहां तुम प्रॉपर्टी लगा दो ना बच्चों किंग लगा के ऐड करोगे तब भी जीरो आ जाएगा आंसर ज्यादा झंझट मारी है नहीं लेकिन हम लोग को रिडक्शन फॉर्मूले से निकालना जरूरी है इस तरह से आना चाहिए किसी बच्चों को डाउट है ये तो हो गया पूरा अब बच्चों चार में से तीन केस बचे हुए हैं राइट दूसरा केस क्या था इसी में एन अगर ऑड होगा बच्चों अब बताओ आई एन कहां खत्म होगा आई वन पे खत्म होगा आई वन का मतलब क्या हुआ बच्चों आई वन का मतलब क्या हुआ आई वन का मतलब हुआ जीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स यही बनेगा ना और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब आंसर आ गया पाई बराबर है बच्चों डायरेक्ट लिख दिया मैंने अरे बाबा वन बचेगा ना वन का इंटीग्रल एक्स हो गया yes, sir. अपर लिमिट डालोगे तो पाई लोअर लिमिट डालोगे तो जीरो फिनिश मानते हो हाँ सर तो बच्चों yes, इसका आंसर आ गया पाई टू केसेस ओवर बच्चों टू केसेस ओवर कौन कौन से केसेस ओवर ए इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू पाई ये दो 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 केसेस ओवर ओवर मानते हो अच्छा बच्चों अब आते हैं जीरो टू पाई बाई टू पे तो सेम ही रिजल्ट लेंगे बच्चों आई एन माइनस टू अब अपन ले रहे हैं एन ऑड ए जीरो और बी पाई बाई टू है ना तो बच्चों बताओ आई एन माइनस टू क्या बन गया ये बन गया तुम्हारे पास में टू तो बाहर आ गया कॉस एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एक्स और जीरो टू पाई बाई टू हाँ बच्चों एन का सा लिया ऑड लिया बच्चों यस एन ऑड लिया है ना यस सर अगर एन ऑड होगा अगर एन ऑड होगा एन माइनस वन इवन होगा बच्चों यस सर एन माइनस वन इवन होने का मतलब एक मिनट रुको रुको सर वो साइन आना चाहिए साइन बाय इंटीग्रेट करना हाँ अच्छा सॉरी इंटीग्रेट करने के बाद तो साइन आ जाता है ना सॉरी सॉरी सर हाँ बच्चों अब बताओ बच्चों एन अगर ऑड होगा तो एन माइनस वन इवन होगा सही है सुनो यस सर एन माइनस वन इवन होगा और उसमें लिमिट डालोगे पाई बाई टू जब पाई बाई टू डालोगे तो बच्चों इवन वाले से नीचे वाला टू तो कट जाएगा और ये फिर जीरो हो जाएगा ना साइन एन पाई जीरो होता है ना यस राइट पाई बाई टू डालने से जीरो और जीरो डालने से भी जीरो बच्चों जीरो डालने से भी जीरो यानी यहाँ भी क्या रिजल्ट आ गया बच्चों आई एन इक्वल टू आई एन माइनस टू लेकिन ये किसके लिए है ये इसके लिए है डोंट फॉरगेट दिस राइट अब बच्चों ये खत्म कहाँ होगा बताओ आई वन पे खत्म होगा ना और बच्चों बताओ आई वन का वैल्यू क्या आएगा अरे बाबा आई वन का वैल्यू तो वही आएगा ना जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स बाई साइन एक्स पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू यानी बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू पाई बाई टू बराबर समझ में आ गया ये केस के लिए अच्छा देखो तीसरा केस भी हो गया है तीसरा केस भी ओवर केस थ्री ओवर केस फोर इज लेफ्ट अच्छा केस फोर इज अ वेरी गुड केस एक्चुअली सब लोग ध्यान दो केस फोर के लिए अच्छा केस फोर ओवर क्या केस फोर है क्या पहले ये लिखते हैं ए जीरो और बी कितना है पाई बाई टू और एन कितना है बच्चों इवन है ना एन इवन है ओके अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ
एन अगर इवन होगा तो एन माइनस वन क्या होगा? ऑड होगा. ऑड साइन ऑड पाई बाई टू क्या होता है बच्चों? अच्छा साइन साइन क्या है? माइनस वन. साइन पाई बाई टू क्या होता है? हाँ. साइन थ्री पाई बाई टू क्या होता है बताओ? माइनस वन. माइनस वन. माइनस वन होता है ना. साइन फाइव पाई बाई टू क्या होता है बच्चों? वन. फिर वन होता है बराबर ना. ये मानते हो ना? तो कैन आई राइट दिस? वापस लिख रहा हूँ. I n is equal to I n minus 2, 2 times. बच्चे ध्यान देना, 2 times. ये आएगा sin n minus 1 x 0 to pi by 2. पता है बच्चों? हाँ क्या बोल रहे हो? माइनस आना चाहिए ना. अपॉन एन माइनस वन ऊपर भी मिस कर. अपॉन एन माइनस वन ऊपर लिखा नहीं हो, जीरो हो जाता है ऐसे जैसे गड़बड़ नहीं हुई. हाँ ये बहुत जरूरी है लिखना. अब अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोगों ने ये किया है साइन एन पाई का एन पाई बाई टू का वैल्यू ये मैं इरेज करूंगा, जो लिखा है ना उसको इरेज करूंगा. माइनस वन रेस टू पावर एन होता है साइन एन पाई बाई टू का वैल्यू. बच्चों एन का वैल्यू नहीं माइनस वन रेस टू पावर एन नहीं होता, माइनस वन रेस टू पावर एन माइनस वन होता है. एन माइनस वन. बच्चों एन का वैल्यू वन रखो. चलो साइन पाई बाई टू कितना हुआ? वन हो गया ना. एन का वैल्यू टू रखो बच्चों. टू नहीं, ये गलत लिख रहे हैं. ऑड ही तो रखना है. एन को ऑड रखना है तो अब थ्री रखो बच्चों. थ्री रखो. थ्री रखोगे तो कितना आएगा? वो भी वन आएगा. वो वन आएगा तो ऑड में माइनस वन है ना. ऑड में हमेशा ही माइनस वन नहीं. अच्छा ये ऑड रखोगे तो ये तो इवन ही आएगा ना. हाँ तो प्लस वन ही आने वाला है, ये बात पक्की है बच्चों. ये तो पक्का हो गया ना, आएगा तो प्लस वन ही है ऑड में. ये एन पाई बाई टू, लेकिन एन पाई बाई टू है नहीं इधर में. इसमें अगर ध्यान दोगे ना तो ये हाँ ये एन माइनस वन पाई बाई टू बन रहा है बच्चों, प्लस ही आएगा ये. तो बताओ इसको क्या लिख दूं मैं इसको इस तरह से लिख दूं क्या? सब लोग ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बन गया? आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू इज इक्वल टू टू अपॉन एन माइनस वन इन टू बच्चों साइन एन माइनस वन पाई बाई टू. साइन एन माइनस वन पाई बाई टू इसको मैं माइनस वन रेस टू पावर एन माइनस टू लिख सकते हो क्या बच्चों? नहीं समझा. अरे बाबा इसको पाई बाई टू डाला तूने. अच्छा चल नहीं समझा, मैं पूरी स्टेप लिख देता हूँ सर. फिर आपके उससे तो साइन थ्री पाई बाई टू. सुन मैं लिख देता हूँ. रुक मैं लिख देता हूँ. ये हो गया एंड ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस ही है ना. हाँ प्लस ही है. आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू प्लस टू अपॉन एन माइनस वन साइन एन माइनस वन पाई बाई टू. अब तो ठीक है बता, जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा ना बच्चे. अच्छा अब अपन क्या करते हैं, एन का वैल्यू थ्री से लिखना शुरू करते हैं. तो आई थ्री क्या आएगा देखते हैं एक बार. पता आई थ्री किसके इक्वल आएगा? आई थ्री इज इक्वल टू आई वन. आई वन तो लिखना ही नहीं है, आई थ्री लिखते हैं. आई थ्री इज इक्वल टू कितना आएगा बता? आई थ्री इज इक्वल टू आई वन. आई वन तो निकाला हुआ है ना, एन तो इवन लिखना है ना. बच्चे एन को मैंने इवन लिखा है, लेकिन एन माइनस वन तो ऑड हो जाएगा ना, ऑड पाई बाई टू हो जाएगा ना. हाँ तो सर अगर आप आई थ्री लिखोगे तो मतलब एन का वैल्यू. सॉरी आई टू इज इक्वल टू जाएगा बच्चों आई जीरो. हाँ राइट, टू लिख रहे हो ना. अब यहाँ टू लिखो बताओ कितना आएगा? यहाँ टू लिखो बताओ कितना आएगा? प्लस टू. लिखो ना सब मिलके तो कर रहे हैं. टू साइन पाई बाई टू. एन को टू लिखना यहाँ पे. साइन पाई बाई टू वन बोल देना, क्या दिक्कत है? एन को टू यहाँ भी लिखना, वन बचेगा ना. टू आएगा, वन बचेगा ना. सही है, सुनो वन बचेगा कि नहीं बचेगा? टू आएगा एन माइनस वन. टू बाय एन. अरे एन का वैल्यू तो डाल रहे हो ना, एन का वैल्यू टू डाल रहे हो. यस सर, टू. तो ये टू बचेगा, ये टू बचेगा यार, बराबर ना. हाँ बच्चो. और आई नॉट का वैल्यू कितना है बच्चो? आई नॉट एन का वैल्यू जीरो. जीरो यानी इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों? टू आ गया ना. सही है सर. यस सर. अच्छा बच्चों अब बताओ आई फोर का वैल्यू क्या आएगा? आई फोर इज इक्वल टू आई टू.
आई फोर इज इक्वल टू आई टू, आई टू आएगा ना, आई टू आएगा ना यहाँ पे, क्या बच्चों क्या बोलते हो, आई टू प्लस प्लस भी तो कुछ आएगा यहाँ पे, फोर डालो कितना बचेगा, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, ये तो वन ही आएगा मानते हो ना, हाँ हमेशा वन आएगा वो सर, हाँ अच्छा बच्चों आई सिक्स क्या आएगा बता सकते हो, आई टू का वैल्यू पता है मुझे, आई टू का वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा राइट, आई फोर का वैल्यू क्या आएगा, आई सिक्स का वैल्यू क्या आएगा बोल ना सर, वो आप फोर डालोगे तो फिर साइन थ्री पाई बाई माइनस वन होना चाहिए, माइनस वन आएगा, तूने फोर डाला यहाँ पे थ्री पाई बाई टू तो ये माइनस टू बाई थ्री आएगा, सॉरी यार, हाँ बच्चों आई अच्छा इसको आगे और लिख देते हैं बच्चों, ये कितना बन गया, आई टू कितना था टू, टू माइनस टू बाई थ्री मानते हो, हाँ बच्चों मेरे को बताओ आई सिक्स और लिखना है मुझे अभी, आई सिक्स सिर्फ लिखूंगा और तुम्हें एक सीरीज पकड़ में आ जाएगी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, सब लोग ध्यान देना, हाँ आई थ्री पे सब लोग ध्यान देना, आई फोर नहीं, आई फोर के बाद क्या लिखोगे बच्चों, आई सिक्स लिखोगे ना, आई सिक्स तो बताओ आई सिक्स क्या है बच्चों, आई सिक्स क्या, आई फोर प्लस टू, आई फोर, आई फोर तो निकला है ना अपन लोगों ने, आई फोर तो टू माइनस टू बाई थ्री है ना, टू माइनस टू बाई थ्री ये तो हो गया आई फोर, आई फोर की वैल्यू आ गई बच्चों, आई फोर की वैल्यू आ गई, फिर प्लस टू बाई फाइव, प्लस टू बाई फाइव ये आएगा ना बच्चों, आई सिक्स आ गया बच्चों, आई सिक्स के बाद आई एट में क्या आएगा, आई सिक्स आएगा जो कि ये रहेगा राइट, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, माइनस टू बाई सेवन, माइनस के बाद प्लस टू बाई नाइन, बोलो बच्चों आंसर आ गया क्या, तो फिर टू टू को बाहर निकाल लेंगे सर, टू को बाहर निकाल लेंगे तो एक एचपी जैसा, एचपी जैसा, एचपी नहीं एचपी जैसा कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा बताओ, वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव अप टू सॉन, ये वाला आंसर दिखेगा, सब बच्चों को समझ में आया ये वाली कहानी क्या है, बच्चों मेरा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये एक बार आपको समझ में आ गया ना तब भी, ये पूरा क्वेश्चन इनफैक्ट मैं बोलूंगा एक बार खुद से ट्राई जरूर करना चाहिए, नोट्स बनाते टाइम में यहां से नोट्स बनाने की जगह चारों केस लिख लो और चारों केस लिख करके कंटिन्यूएशन में सॉल्व कर दो उसको राइट, एक बार सॉल्व करोगे ना तो सारे क्वेश्चन बड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बच्चों जरा सोचो एन का वैल्यू अगर वो 10 डाल दे और चारों केसेस में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया ना, तीन तरह के तो आंसर हुए, या तो जीरो या पाई या पाई बाई टू या फिर ये गंदा, बराबर है, स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है, अरे यार क्या बैठे रहना है क्या, स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है बताओ ना सर, आप स्क्रीन थोड़ा मतलब कैमरा थोड़ा नीचे कर सकते हैं, अच्छा नीचे वाला दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा सा ही बस, एक मिनट रुक कर रहा हूँ, हाँ सर रुक, नहीं यार हुआ नहीं है अभी, होगा क्या बेटा, हाँ बता दे रहा, नहीं आ रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, डाल दिया, अच्छा अच्छा एक तो ये पेंडिंग में पड़ा रह गया था, चलो ठीक है हो गया, अभी अभी एक और पेंडिंग में था ना, कौन सा वाला, कौन सा था बच्चों, इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन रेस टू पावर mx into cos raised to power nx dx, इसका आंसर बच्चों ये था m माइनस वन m माइनस थ्री टू और वन, यही था ना बच्चों, फिर n माइनस वन n माइनस थ्री टू और वन, टू और वन डिवाइडेड बाई, अब बच्चों नीचे क्या आएगा, m प्लस n था ना, m प्लस n, m प्लस एन माइनस टू, टू और वन है ना,
और यहाँ पे था k, k के बारे में लिख चुके ना, k का वैल्यू पाई बाई टू, m कॉमा n दोनों इवन हो और k का वैल्यू वन अदरवाइज। क्या बोलते हो बच्चों, यही था ना? अच्छा कुछ विजिबिलिटी इश्यू है क्या आज, क्या कोई फोन यही था? ठीक लग रहा है, थोड़ा वीक लग रहा है ना? हाँ पर देखो ये मार्कर मेरे को लग रहा है मैनेजेबल है सर। नहीं मैनेजेबल चीजें नहीं करते ना अपन, मार्कर वीक लग रहा है मेरे को, मार्कर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। रुको बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं, ओ ये भी उससे गिनना आई है, आई एम एल बराबर है, इसको मैंने लिख दिया आई एम एन, एम वाला ये एम और एन वाला ये। बच्चों इस आई एम एन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो आई एम एन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन रेस टू पावर एम माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेस टू पावर एन। कोई मुझे एक अच्छा रीजन बता सकता है मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा बच्चों? अब इसमें एक फंक्शन बहुत आराम से इंटीग्रेट होने लायक बना, और दूसरा बताओ, बताओ कौन सा इंटीग्रेट होने लायक बना बच्चों? साइन एक्स कॉस रेस टू पावर एन, ये वाला पूरा पार्ट इंटीग्रेट करेंगे और ये डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये वाला पार्ट? हाँ सर हो जाएगा। तो बच्चों आई एम एन क्या बन गया, आई एम एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं साइन रेस टू पावर एम माइनस वन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बच्चों इसमें कॉस एक्स को मैंने टी लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ गया, इधर रफ में कर लेते हैं, कॉस एक्स को टी लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी है ना, तो ये बन जाएगा कितना टी रेस टू पावर एन माइनस साइन के साथ में डी टी, यानी टी रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन लगा दूं यहाँ पे और इसको टी का वैल्यू डाल दूंगा कितना, कॉस एक्स को टी लिया ना, तो कॉस एक्स रेस टू पावर कितना बन गया बच्चों, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और इस पर लगा देंगे बॉक्स और यहां कर देंगे जीरो टू पाई बाई टू। बताओ ये स्टेप समझ में आया कि है, यहां तक अभी तो आगे और लिखना है, ये समझ में आया बच्चों? अच्छा पाई बाई टू अगर डालोगे, पाई बाई टू अगर डालोगे तो बताओ ये जीरो हो जाएगा ना? यस। और जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब काम खत्म, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आंसर में आएगा ही नहीं, ये तो जीरो ही होने वाला है। अच्छा अगला स्टेप क्या बनेगा वो ध्यान दो, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन एम माइनस वन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, एम माइनस वन, एम माइनस वन साइन रेस टू एम माइनस टू एक्स, साइन एक्स रेस टू पावर एम माइनस टू एक्स इनटू कॉस एक्स भी आएगा ना सर? आप अपने साइन एक्स ले लिया ना? नहीं बेटा कहाँ लिया, आप साइन एक्स एम रेस टू टू इनटू एक्स किया आपने। अरे बाबा सुन, एम माइनस वन साइन एक्स टू दी पावर एम माइनस टू, मतलब फंक्शन रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन फंक्शन रेस टू पावर एन माइनस वन एट रेस्ट। वो समझा आपने, साइन एक्स ब्रैकेट में ही लिया है, मैं बोल रहा हूँ आपने बाहर वापस एक्स लिखा है। अरे वो गलती है ना। अच्छा अब बता साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन आएगा, कॉस एक्स आएगा ना, कॉस एक्स, ये तो डेरिवेटिव हो गया। अभी बचा है ना कुछ, इंटीग्रेशन बचा है ना, इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी किया है ना बच्चों हम लोगों ने इसका। हाँ सर, इसका इंटीग्रेशन में माइनस साइन आता है ना, ये तो ये माइनस साइन आता है ना, इसको प्लस बना दूं क्या? यस यस सर। राइट, अंदर कितना लिखोगे बच्चों, कॉस एक्स टू दी पावर एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बराबर है, और डीएक्स। बच्चों यहां तक दम लगा के अपन ने अपना काम कर दिया है, ठीक है, अब दम नहीं लगाना है, अब स्मार्टनेस चाहिए। यहां तक हम लोग को मेहनत चाहिए थी, मजदूरी चाहिए थी, अब स्मार्टनेस चाहिए थी। अब बच्चों ध्यान दो, इससे ये तो जीरो हो गया, आई एम एन को मैंने लिख दिया, आई एम एन को मैंने लिख दिया जीरो, तो जीरो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ऐसे कैंसिल कर देते हैं इसको है ना। अब अच्छा ये क्या बन गया, ये एम माइनस वन
अपॉन एन प्लस वन, ये तो कॉमन आ गया, बताओ ब्रैकेट से बाहर। अच्छा साइन एक्स टू दी पावर एम माइनस टू को एज इट इज लिख दो, साइन एक्स टू दी पावर एन एम माइनस टू को एज इट इज लिख दो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अपन ने जितनी रिडक्शन फॉर्मूला की कहानियां पढ़ी अब तक, उनमें अपन क्या करते थे, यहाँ मैनिपुलेट करते थे ना, एक कॉस एक्स तो ये रहा और एक कॉस एक्स बच्चों यहां से बोरो करो, यहां से तो कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये इससे कॉस एक्स लिया तो यहाँ कितना बच गया, कॉस एक्स रेस्ट पावर एन बच गया, सही है सुनो। और जो कॉस स्क्वायर एक्स बना उसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। बताओ बच्चों ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, आराम से सोच लो। बराबर है तो बच्चों आई एम एन क्या बन गया, जरा वापस लिखते हैं एक बार। आई एम एन इज नथिंग बट एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। अब बच्चों ब्रैकेट में मैं इतना लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं लिखना चाहता, बताओ ये टर्म इसके साथ मिलके क्या लिखी, आई एम माइनस टू, आई एम माइनस टू, वेरी गुड, कॉमा एन, ये आएगा ना। अरे बाबा ये पावर रिड्यूस हुई ना, ये तो सेम ही रही ना अभी तक, मानते हो ना। और बच्चों नेक्स्ट क्या जाएगा, माइनस क्या, माइनस क्या जाएगा, आई एम एन, आई एम एन, एम एन, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा ना, प्लस। हाँ सर। तो कितना बनेगा बताओ, आई एम एन, आई एम एन कॉमन ले लिया, आई एम एन कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा बच्चों, एम प्लस एन बाय एम प्लस वन प्लस वन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, बच्चों यही बचेगा ना, इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू आई एम माइनस टू, और साथ में क्या आएगा एन, बच्चों सही है। यस सर। अब बताओ इधर ये एलसीएम लेने के बाद एन प्लस वन तो कट जाएगा और एम कितना बचेगा, जब वन वन भी कट जाएगा तो कितना बचेगा, आई एम एन प्लस एन बचेगा, हाँ एन प्लस एन बचेगा, तो आई एम एन को डायरेक्टली क्या लिख दो बच्चों, बताओ एम माइनस वन अपॉन एम प्लस इंटू आई एम माइनस टू कॉमा एन, बच्चों ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। बताओ बताओ इसके बाद अगर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, सोच छोड़ो इधर इधर ही हटाओ, अब बताओ क्या लिखू, दिस इज इक्वल टू क्या लिख दो बच्चों, ये तो आएगा, ये तो एज इट इज आएगा एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब ये एम एन होता है, जब ये एम एन होता है तो एम माइनस वन यहाँ आता है, मतलब ये माइनस वन यहाँ आता है और इन दोनों का टोटल नीचे आता है, तो बच्चों अब बताओ आई एम एन माइनस टू एम माइनस टू एन क्या आएगा, इससे बढ़कर तो न्यूमरेटर में आएगा एम माइनस थ्री, एम माइनस थ्री, और नीचे कौन आएगा, इन दोनों का टोटल एम प्लस एन माइनस टू। अच्छा तुम्हें कुछ चमका क्या फॉर्मूला, पता है ना नेक्स्ट क्या आएगा, अप टू सॉन चलता चला जाएगा ना, क्या बोलते हो। अब बच्चों तुम्हारे सामने जो छोटा सा एक झंझट आएगा ना वो क्या आएगा बताओ, जैसे मान लो एम एम बच्चों एम रिड्यूस हो रहा है ना, इधर में एम ही रिड्यूस हो रहा है ना, अभी एम की पावर रिड्यूस हो रही है ना, अरे बाबा एम की पावर रिड्यूस हो रही है, एम की पावर तो बढ़ती चली जा रही है, देखा कैसे बढ़ती नहीं जा रही है, सेम रह रही है, एन सेम ही रह रहा है। बच्चों अगर एम इवन हुआ तो बताओ ये सीक्वेंस कहां खत्म होगी, आई जीरो जीरो, अगर एम इवन हुआ, अगर एम एम इवन और एन ऑड लेते हैं, एम इवन एन ऑड लेते हैं, तो बच्चों ये सीरीज कहां खत्म होगी बता सकते हो, एम माइनस वन एम माइनस थ्री लास्ट में जाके वन पे खत्म होगी ना बच्चों। अरे अगर एन इवन एम इवन लोगे, इवन लोगे मतलब फोर लेके देख लो चलो, तो वन वन पे जाके खत्म होगी ना लास्ट में, ये डिवाइडेड बाई नीचे एम प्लस एन आ रहा है, एम प्लस एन माइनस टू आ रहा है, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये काम खत्म होगा क्योंकि ये खत्म होगा नहीं एक्चुअली, इसका रीजन है बच्चों। बताओ यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ये वन पे खत्म होगा तो फिर बचेगा क्या, एम अगर इवन है बच्चों, इवन है तो ये वन पे खत्म हो रहा है, मतलब आई वन एन बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चों, ये वन नहीं बचेगा, ये आई वन एन बचेगा, से यस नो, यस सर, क्या बोलते हो सर, आई जीरो एन बचेगा ना,
अगर m इवन है हाँ अगर m इवन है तो यहाँ वन बचेगा i जीरो आएगा i जीरो n आएगा ही नहीं एक्चुअली i जीरो n नहीं आएगा। अच्छा चल एक काम कर m की वैल्यू टू ले m की वैल्यू टू लेगा तो m की वैल्यू टू अगर रखी ना m की जगह टू तो तेरा पहला टर्म क्या आ गया वन आ गया ना हाँ है ना। m की वैल्यू टू लेगा तो ये बचता है m माइनस टू तो i जीरो आएगा हाँ और i जीरो कितना हो जाएगा i जीरो में ये गायब हो जाएगा ना i जीरो है बोलो बच्चों ठीक है क्या ये हाँ सर। अच्छा बच्चों i जीरो n क्या होएगा बताओ इधर लिखते हैं i जीरो n क्या होगा जीरो टू पाई बाई टू cos रेस टू पार n x dx। बच्चों इसका रिडक्शन तो किया हुआ है ना अपन लोगों ने याद है ना किया है ना cos रेस टू पार n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स सेकेंड क्वेश्चन वही था याद करो बराबर है तो यहाँ थोड़ी मेहनत कर लो फिर नहीं होगी तो हाँ बोलो डिस्कनेक्ट हो गया था ये आपने कि ओवन क्या समझ ये समझ अरे बाबा मैंने तो एक एग्जांपल लिया है n अगर इवन और n ऑड हो m इवन और n ऑड हो इवन जब होगा तो m इवन होगा तो m माइनस वन m माइनस थ्री इवन माइनस थ्री इवन माइनस फाइव वन ही बचेगा ना एंड में अरे यार वन ही बचेगा ना यार किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर इवन नंबर कितना भी बड़ा हो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करता जा 1 3 5 7 9 तो एंड में कितना बचेगा वन ही बचेगा ना बेटा यस सर वन ही बचेगा वन बचेगा ना। अब इसको समझने के लिए यहां से समझ यहां से नहीं यहां से समझ यहां से समझ हां जाओ ये फार्मूला यहां से समझ कि अगर m ऑड होता मतलब ये इवन होता तो ये लास्ट में क्या बचता i 0 ही बचता ना। अरे बाबा ये तो सीरीज बच गई ये तो आई जीरो ही बचता ना मान लो एम की वैल्यू टू है तो आई जीरो बच जाएगा ना आई जीरो है नहीं बचेगा ना यस सर। अरे एम का वैल्यू टू ले ले तो आई जीरो टू बचेगा ना यही बचेगा ना यस सर यस सर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये बच्चों अगेन होमवर्क में चला गया राइट पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू बच्चों बाकी सारे केसेस रिमेनिंग केसेस सेम ही रिजल्ट देंगे रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। इसका रिजल्ट का प्रूफ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों ये तो तुम लोगों ने बोला इसलिए मैंने करा दिया इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिजल्ट का याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये रिजल्ट बड़ी जल्दी याद हो जाता है अगर तुमने ध्यान दिया हो तो बड़ा सिमेट्रिक सा रिजल्ट है। हम लोगों ने शायद दो तीन क्वेश्चन भी लास्ट टाइम किए थे इस पर डिपेंडेंट याद है ठीक है तो तुम लोग ट्राई करो इसके बाद अगर हो जाए तो अच्छा है नहीं हो जाए तो फिर वापस अपन कर देंगे इसके बाद वाला पोर्शन राइट। और अगर नहीं हो जाए और छोड़ना चाहो तो पेंडिंग छोड़ भी सकते हो बच्चों जनरली इसका प्रूफ हम लोग नहीं करवाते हैं। हाँ बोलो गो अहेड सर आप अरे क्या यार इतना इंटरनेट इश्यू है क्या सर आप बोलने के बाद गायब। हाँ सर सॉरी सर हाँ वो लैग हो गया सर वो आप m माइनस वन बाय m प्लस n इनटू i m माइनस जो वो आया सर उधर पे समझ गया सर आप उसके बाद समझा सकते हो क्या वो आपने m माइनस अरे यार इससे ही आया बता इससे क्या आएगा बता इससे क्या आएगा अगर इससे ये आ रहा है तो आई एम माइनस टू एन से क्या आएगा ये मैंने बहुत आराम से समझाया है यस सर तो एम माइनस हां 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 बस फिर बढ़ते चले जाओ आगे आगे तो आ जाएगा ठीक है आराम से करो दौड़ मत लगाओ प्रॉब्लम्स के साथ दौड़ लगाते हो ना तब दिक्कत आती है और कुछ नहीं ठीक है इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दो बच्चों फटाफट से।
स्क्रीनशॉट डालने में कोई बॉर्डर पे जाके लड़ाई थोड़ी लड़नी है, डालो ना जल्दी से। सर डाल दिया। चलो ठीक है। हेलो बच्चों, मेरे तो दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, मैंने करा दिए। दो क्वेश्चन किसी ने पीडीएफ से पूछे हैं, वो भी हो गए। और बताओ सर, इंडेफिनिट सर डेफिनेट का क्वेश्चन जो कल दिया था। सर इंटीग्रल माइनस 1 टू 3 बाय 2 मॉड साइन पाई एक्स डीएक्स। एक मिनट, आई रेज दिस फर्स्ट। बच्चों आई रिपीट, आप लोग एक्सरसाइज 3 के सारे 30 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग के नोट्स जरूर बना लो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसी से स्ट्रॉन्ग होएगा। हाँ, डेफिनेट में क्या क्वेश्चन था? 1 2 3 माइनस 1 2 3 बाय 2 माइनस 1 2 3 बाय 2 आगे बोल मॉड एक्स साइन पाई एक्स। ये तो मैंने होमवर्क में दिया था। यस सर। अच्छा एक बात बता, माइनस वन टू वन क्या बोल रहे हैं? थ्री बाय टू था वो अपर लिमिट। अच्छा माइनस वन टू वन मॉड एक्स साइन पाई एक्स और प्लस वन टू थ्री बाय टू मॉड एक्स साइन पाई एक्स। बता मैंने ऐसा ब्रेक करने के पीछे क्या लॉजिक यूज किया होगा? सर वो 1 पे 0 जाएगा। अरे ये तो इवन फंक्शन है ना। हां ये 2 टाइम्स 0 टू 1 हो जाएगा ना। 2 टाइम्स 0 टू 1 मॉड। अच्छा 2 टाइम्स 0 टू 1 बच्चों x 0 टू 1 होगा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा मानते हो? हां यस सर। जब 0 टू 1 x रहेगा तो बच्चों ये 0 टू पाई रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? यस सर। जब ये 0 टू पाई रहेगा तो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव तो मॉड हट करके डायरेक्ट x sin pi x बन जाएगा ना। यस सर। dx मानते हो? अच्छा बच्चों आगे चलो, अब इसमें चलो 1 से 3 by 2 में ये पॉजिटिव से यस सर। हां यस सर। और बच्चों 1 से 3 by 2 में ये जाएगा pi से 3 pi by 2 नेगेटिव। pi से 3 pi by 2 नेगेटिव यानी ये पूरा नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 से 3 by 2 x sin pi x dx बराबर है, मानते हो? हाँ। अब बच्चों अब बताओ इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है तो इसको डिफरेंशिएट और उसको इंटीग्रेट कर क्या करवाओगे क्या इसके बाद? नहीं नहीं करना। चलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? थोड़ा दम लगेगा लेकिन कर दोगे ना? एंड में लिमिट्स डाल लेना बाकी सब सेम ही। हां बस इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थोड़ा ध्यान रखना। मुझे 3 पाई माइनस 1 बाय पाई स्क्वायर आया था। अच्छा चल देख ले यार, मैंने कुछ देख सुन, x एज इट इज sin पाई x का इंटीग्रल बोल कितना आएगा? माइनस cos पाई x cos राइट ये आ गया। अच्छा अभी देख इसका इंटीग्रल देखेगा ना तो इधर भी सेम ही आएगा। तो इतना झंझट मारी करने की जगह में जो है ना लिमिट एक काम करते हैं, इसको हटा दे यहां से। ये 2 बार सब जगह कॉमन ले ले, 1 अपॉन पाई ले ले इसको और यहां 0 टू पाई डाल दे। नहीं इसका इंटीग्रल लिखना पहले एक बार, cos पाई x का इंटीग्रल कितना आएगा बेटा? x by pi sin पाई x sin पाई x by pi square लिख दूं क्या? हां sin पाई x by pi square पाई स्क्वायर ये आ गया इसका इंटीग्रल और इसके लिमिट्स क्या लिखेगा? 0 टू 1 बराबर है। अच्छा दूसरा वाला इंटीग्रल क्या आएगा? दूसरा वाला इंटीग्रल भी ये तो सेम ही आएगा ना? सेम ही आएगा सर, सेम ही आएगा। ये आ गया माइनस x cos पाई x बाय पाई और ये आ जाएगा प्लस sin पाई x बाय पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर और ये आएगा 1 से 3 बाय 2। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। पहले डाला 1 डाला यहां पे,
ये वन डाला तो कितना आ गया बेटा, ये इसका पूरी वैल्यू आएगी बाय पाई, पॉजिटिव एक्स बाय पाई। अरे एक्स तो गायब हो जाएगा ना, वन आएगा, वन आएगा ना, कॉस पाई माइनस वन होता तो वन बाई पाई आएगा ना, वन बाई पाई, वन डालेगा तो वन बाई पाई आएगा ना, वन डालेगा तो ये जीरो हो जाएगा ना बच्चों। अच्छा जीरो डाला, जीरो डाला क्योंकि जीरो डाला तो ये जीरो हो गया ना बच्चों। हाँ ये जीरो x की वजह से, और जीरो यहाँ डाला तो भी जीरो, तो बस इतना ही बचाना है यहाँ तो, टू बाई पाई। यस सर, बराबर ना। यस सर, माइनस माइनस, अब ये ब्रैकेट बच्चों, थ्री बाई टू डाला यहाँ पे, कॉस थ्री बाई थ्री पाई बाई टू कितना होता है, जीरो होता है ना, जीरो जीरो जीरो। साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है, माइनस वन होता है ना, माइनस वन बाई पाई स्क्वायर, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, नहीं 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 अभी मल्टीप्लाई को रखे क्यों करेंगे, माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर है ना, माइनस वन बाई पाई स्क्वायर ये बचेगा ना, थ्री बाई टू डालने से। अच्छा अब माइनस वन डालो, वन डालो, वन डालोगे तो कितना आएगा, ये वन डाला, ये वन डाला, माइनस वन, वन बाई पाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस वन बाई पाई राइट, वन यहाँ डाला, अब वन यहाँ डालेंगे तो फिर जीरो ही गया ना बच्चों, ये जीरो जीरो बस आंसर आ गया, ये आंसर, ये आंसर यही होगा मेरे हिसाब से, टू बाई पाई प्लस वन बाई पाई स्क्वायर प्लस वन बाई पाई कितना हुआ बता, थ्री पाई स्क्वायर एलसीएम, पाई स्क्वायर एलसीएम है ना, थ्री पाई प्लस वन, थ्री पाई बाई वन, थ्री पाई प्लस वन, आ तो रहा है यार, कितने आराम से आ रहा है। ठीक है एक बार स्क्रीन शॉट ले ले, चलो बच्चो खत्म, ले लिया सर, स्वीट। और कोई डाउट किसी को बचा है 36 में से, नया तो कुछ पढ़ूंगा नहीं मैं, कैन आई रेज दिस, यस सर यू कैन रेज दिस, हाँ बच्चों बोलो, और कोई डाउट हो तो बताओ, रबार सर, सर आपने एक बार प्रॉब्लम दिया था मिसेलेनियस प्रॉब्लम में, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, हाँ सर, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स ln cos x प्लस अंडर रूट cos 2x dx, इंटीग्रल cosec स्क्वायर x, हाँ ln, अरे यार ये मैंने करा दिया क्लास में यार, सर क्या था सब्स्टिट्यूशन, मैंने करा दिया तो रिकॉर्डिंग में देख ले, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया बेटा, ओके सर ठीक है, कराया ना बच्चों ने, ln cos x प्लस अंडर रूट cos 2x cot में चेंज किया था फिर सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है मैंने क्लास में। Okay. और कोई सर, आपने कल प्रॉपर्टी 4 पढ़ाया था तो आपने उसका अलजेब्रिक प्रूफ करने को कहा था होमवर्क में, वो आप करा सकते हो प्लीज। अच्छा प्रॉपर्टी 4 में हम लोग यहाँ आ गए थे, ये क्वेश्चन था माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर। अब बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो मैं रखूंगा अपने पास ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा लेट एक्स इक्वल टू माइनस टी राइट, तो डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, लिमिट्स क्या बनेंगी, एक्स को माइनस टी डाला है मैंने राइट, तो जब एक्स माइनस ए होगा तो टी कितना हो जाएगा ए, और x जब 0 होगा तो t कितना हो जाएगा 0, ये बन जाएगा f ऑफ माइनस टी राइट, ये dx बन जाएगा माइनस डी टी बराबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0 टू a f ऑफ माइनस टी डी टी बराबर है। yes, sir. आगे क्या बचा हुआ है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये बचा हुआ है ना, यस सर, हो गया क्या प्रूफ, अब ये टी से घबराना मत, अब एक काम कर टी को एक्स लिख दे, पहले टी को माइनस एक्स लिखा था ना,
अभी टी को एक्स लिखते हैं, टी को एक्स लिखते हैं, तो डी एक्स डी टी आ जाएगा, लिमिट सेम रहेंगी और ये क्या बन जाएगा, टी को एक्स लिखेगी तो जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, टी को एक्स लिखा डी टी बन गया डी एक्स राइट प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। बताओ अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया? यस अप्रूव हो गया। गुड, चलो स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो इसका भी। सर टी तो लेकिन माइनस एक्स है ना, तो अभी अभी देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पता है सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट चेंज कर देते हैं ना, लिमिट चेंज करने के बाद पुराना पुराना मसाला सब खत्म, अब नया स्टार्ट हो गया ऐसे एकदम नया। हाँ हाँ, लिमिट चेंज का मतलब सब कुछ खत्म, पुराना सब नया आ गया अभी, बराबर। अच्छा तो सर वो लिमिट्स आपने वो माइनस साइन की जैसे चेंज किए क्या? t इक्वल टू माइनस एक्स लिखा तो ये लिमिट चेंज हो गया था कि नहीं हो गया था? ये वाला लिमिट चेंज हुआ ना यहाँ पे? हाँ वो माइनस साइन की वजह से हुआ ना जो बात। हाँ माइनस साइन की वजह से, यस ठीक है, ये डाल दीजिए एक बार, इरेज कर दूँ ये? यस सर। चलो ये भी हो गया, थर्टी थ्री बच्चों में से किसी को भी कोई भी डाउट बचा रहेगा क्या अभी इंडेफिनिट जो पढ़ाया है उसमें? सर हाँ बोलो। सर वो प्रोफाइल पेज क्वेश्चन है ना सर, वो उसमें थोड़ा दिक्कत जा रहा है, तो आपने वो किधर थोड़ा एग्जांपल्स करवाए क्या प्रोफाइल पेज बारे में, वो थोड़ा रेफरेंस मिल जाए? प्रोफाइल बेस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जा रहा है, उसको करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। अच्छा ओके सर, वापस से ट्राई करता हूँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूज। ट्राई नहीं, टाइम मैंने मैंने बोला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ज्यादा क्वेश्चंस पे टाइम डिवोट करना पड़ता है और टाइम डिवोट करना चाहिए, इट हेल्प्स। ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व हो गया? नो नो नो, गड़बड़ कर दोगे आगे सर। प्रोफाइल बेस शीट तो कर लेनी चाहिए, अभी तक नहीं किया तो गलत है। नहीं नहीं सर, वो तो, मतलब वो अटक गया बीच में, वो कोई दो स्टूडेंट है जो बहुत देर से इसमें, ये अपने अपने क्लास के हैं क्या? मुनीब और भाई सर ऑल डाउट्स डन। श्रीनाथ, श्रीनाथ तू क्या जा रहा है? मैं भी जा रहा हूँ। चलो बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं अभी।